हेलो दोस्तों, माय सेल्फ विक्रम मिलर है। पर कुछ लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन टॉपिक का नाम है, जिसको अपन हिंदी में रक्त संबंधी बोलते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फैमिली मेंबर्स, परिवार का सदस्य, अपने परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, जैसे ब्रदर हो गया, अपना भाई हो गया, सिस्टर्स हो गया, बहन, पिता के भाई हो गए जो हमारे पैटर्नल अंकल होते हैं, माता या फिर पिता के सिस्टर्स, आंट हो गया जैसे मौसी जी या फिर बुआ जी, पिताजी के फादर्स क्या होगा, ग्रैंड फादर हो गया, नाना या फिर दादाजी, अपने माता या पिता के मदर, ग्रैंड मदर हुआ जैसे कि नानी या फिर दादी जी, सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ, बहू जी बहू हो गए, डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, दामाद हो गए, हस्बैंड या फिर वाइफ के फादर, फादर इन लॉ, ससुर जी हो गए, पति या फिर पत्नी के मदर, मदर इन लॉ, सासू माँ हो गए, पति या फिर पत्नी की ब्रदर, तो ब्रदर इन लॉ हो गया, ये ब्रदर इन लॉ, पति या फिर पत्नी की सिस्टर हो गया, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर से सिस्टर सन्स, नेफ्यू हो गया, भतीजा या फिर भांजा, ब्रदर या सिस्टर डॉटर्स, अपना नाइसी हो गया, भतीजी या फिर भांजी, कजन कौन होते हैं, ये अपने चचेरा मामेरा फुफेरा भाई या फिर बहन हो सकते हैं। जनरेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ये अपन जनरेशन का यूज करते हैं, जिसको अपन पीढ़ी बोलते हैं। जनरेशन क्या होता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, तो अपने जो दादाजी हो गए या फिर दादी माँ, ये अपने फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। सेकंड जनरेशन में कौन आते हैं, अपने पिताजी माताजी, उनके भाई या फिर बहन। थर्ड जनरेशन में हम सब आते हैं, जैसे मैं हो गया, बहन हो गई, भाई हो गया, उनके पति पत्नी, अपने कजन्स हो गए, ये सब थर्ड जनरेशन में आते हैं। फोर्थ जनरेशन में कौन आता है, फोर्थ जनरेशन में अपने बच्चे हो गए, जैसे बेटा हो गया, बेटी हो गई, नेफ्यू हो गए, नैसी हो गए, ये सब फोर्थ जनरेशन में आते हैं। जनरेशन के थ्रू हम जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो जनरेशन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। अच्छा, संकेत चिन्ह नोटेशन, जैसे पुरुष है तो उसको अपन प्लस साइन से नोटेट करेंगे, महिला है तो उसको माइनस से, पति पत्नी है तो दोनों के बीच को संबंध को इस एरो से अपन दर्शाएंगे। अगर सदस्य उसी पीढ़ी का हो तो, अगर सदस्य उसी पीढ़ी का हो तो उसको राइट एरो से दर्शाएंगे, अगर सदस्य पहली पीढ़ी का हो तो उसको अपसाइड एरो से दर्शाएंगे, अगर सदस्य दूसरी पीढ़ी का हो तो उसको डाउन साइड एरो से दर्शाएंगे। ये आपको नोटेशन अपन क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो समझ आते जाएगा, इसको अपन आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना के अपन देखेंगे कि कैसे फैमिली ट्री के माध्यम से उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे अपन नोटेट करते हैं। जैसे पुरुष हो गया फिर महिला हो गया, उसको अपन कैसे नोटेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटी है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। तो अपन ये दया जो है अमित का भाई है, दया का भाई अमित है, सॉरी, तो ये अमित पुरुष है, दया का भाई है, दया चंद्रा का बेटा है, ये चंद्रा जो है उसका बेटा है दया, ये भी पुरुष है। अब विमल चंद्रा के पिताजी है, ये कोई विमल है जो चंद्रा के पिताजी, मतलब पुरुष है,
तो अपनीत अमित का विमर्शक क्या संबंध है, अमित का विमर्शक क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है अमित विमल का नाती हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा नाती। क्वेश्चन दिया गया है आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। अगर सानू आर्यन की माँ है, आर्यन राजेश का बेटा है, लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है, आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित हैं? तो ये क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करके आर्यन और अंजलि के बीच का संबंध निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं, तो ये हो गया अपना आर्यन। अंजलि ये किसके बच्चे हैं? सानू के। क्या बोल रहे, अगर सानू आर्यन की माँ है, ये माँ हो गई। आर्यन किसका बेटा बोल रहे हैं? ये बेटा है राजेश का, तो इसकी माँ हुई, तो इसका पति कौन होगा? राजेश, ये पति हो गए, दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है, अंजलि जो है सानू का बेटा नहीं है, तो क्या होगा? बेटी होगी, ये बेटी हो गई। आर्यन और अंजलि कैसे संबंधित है? तो आर्यन और अंजलि दोनों भाई बहन हुए, भाई बहन। आर्यन अंजलि का भाई है, तो आर्यन जो है अंजलि का भाई है, ये अपना सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीनू को परिचय देते हुए शांति ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। शांति वीनू से कैसे संबंधित है? तो चलिए इसको बना के देखते हैं। शांति ने कहा, ये कोई शांति है, ये शांति के पिताजी हो गए। शांति ने कहा, वीनू को परिचय देते हुए शांति ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। तो शांति अपने पिता की, शांति ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। तो क्या हुआ है, शांति के पिता इकलौती है, मतलब ये उसकी बेटी हुई शांति अपने पिता की, इसकी इकलौती बेटी कौन सी होगी? वीनू। तो शांति वीनू से कैसे संबंधित है? शांति वीनू की माँ है, माँ है, तो इसका आंसर आ गया मदर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी ई तथा एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 विवाहित युग्म हैं, डी ए की दादी है एवं बी की माँ है, सी बी की पत्नी एवं एफ की माँ है, ई एफ की पोती है। चलो इस क्वेश्चन पे अपन फैमिली ट्री के थ्रू बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डी ए की दादी है, ये डी हो गया, दादी मतलब फीमेल है, ये किसकी दादी है? ए की, तो ये ए की दादी है। एवं बी की माँ है, डी जो है ए की दादी है एवं बी की माँ है, तो यहाँ पे बी ले लेते हैं अपन। सी जो है बी की पत्नी है, तो ये बी क्या हुआ? पुरुष हुआ ना, तभी तो सी इसकी पत्नी हुई, ये सी इसकी पत्नी हो गई, बी की पत्नी सी है। एवं एप की माँ है, सी जो है एप की माँ है, तो ये जो एप हो गया,
एफ की माँ है, एफ ई की पोती है, एफ पोती है बोल रहा है, मतलब ये फीमेल है, किसका पोती है, ई की, तो ये ई हुआ, मतलब डी का पति हुआ ई, तभी तो इसका पोती होगा भाई। तो ये फैमिली ट्री अपन ड्रॉ कर लिए, इसमें दो बोला गया था दो विवाहित युग्म है, तो ये दो जोड़ा जोड़ा होगा, विवाहित जोड़ा डी ई और बी सी। इसमें ए के बारे में अपने को कुछ नहीं पता कि ये पुरुष है कि महिला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, क्या दिया है, ग्रैंडफादर, डॉटर इन लॉ, माता पिता, पुत्र, तो सी का ए के क्या संबंध है, ये बी के बेटा या फिर बेटी है, तो सी के क्या हुए, इनके माता हुए ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है, तो एक दो, तीसरा के बारे में पता नहीं है, तो क्या आएगा इसका आंसर, आंकड़े अपर्याप्त है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विवाहित युग्म कौन कौन सा है, तो इसमें कौन कौन सा है, डी ई और बी सी, तो ऑप्शन देख लो, डी ई और बी सी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी से है, तो पीढ़ी जो पढ़ा था, ये दादा वाला पीढ़ी हो गया, ये माता पिता वाला पीढ़ी हो गया, ये बच्चों वाला पीढ़ी हो गया, तो सबसे युवा पीढ़ी कौन सा होगा, ए और एफ, तो ए और एफ सबसे युवा पीढ़ी है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है, तो डी किसकी है, इस एफ के पिता की माता है, तो दादी जी हुई ना, ये अपना दादी हुई।